सत श्री अकाल स्टीफन भाई साहब। भाजी थोड़ी वीडियो रात देखी डिसेबल्ड विद कमेंट्स, अगर आपने एबल्ड भी किए होते तो मैं वहाँ कभी कमेंट नहीं करता, मैं लाइव ही आता। तो अच्छी बात है आपने अपनी बात रखी, आप चाहते तो मुझे कॉल भी कर सकते थे, लेकिन आप पब्लिक के सामने अपना स्टैंड क्लियर करना चाहते थे। देखो सिंगिंग के बारे में आपने मुझे कॉल करके भी बताया था, आप मुझे कह रहे थे कि पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है, अच्छी बात है, थैंक यू, लेकिन दूसरी तरफ आप मानने को भी तैयार नहीं हो, आप ऑक्टेव लेके बैठे हुए हो। तो ये तो कुछ मसला वैसा हो गया कि जैसे ओपी नैयर ने लता मंगेशकर को उम्र भर सिंगर नहीं माना, उनको हमेशा वो कहते रहे कि आपकी वॉइस थ्रेड की तरह पतली है, मेरे गानों में सूट नहीं करती, उनको मतलब उन्होंने सिंगर माना नहीं। लेकिन वो भी नहीं है तो खैर फिर भी नंबर वन बन के दिखा दिया, वो पॉपुलर भी हुए। तो या तो फिर आपको भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना कि यूट्यूब पे आप या तो इतने पॉपुलर हो जाओ, नंबर वन आपका चैनल हो, तो आप अगर मेरे ऊपर कुछ रिमार्क करेंगे तो एक्सेप्टेबल भी हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि आपको बहुत अपना नाम कमाना होगा तो आप अच्छे भी लगोगे बोलते हुए। तो ये तो बात का मुझे कोई दुख नहीं है कि आप मुझे सिंगर मानते हो या नहीं मानते, ये तो खैर कोई बात नहीं, आपने नहीं माना। एक तरफ आप कह रहे हो कि दुलारी का मैंने गाना गाया, जबकि वो अच्छा गाना है, वो तो परफेक्ट ऑक्टेव में है, आप उसको भी नहीं मान रहे। फिर एक तरफ आप कह रहे हो कि 1.5 साल से मैं आपके चैनल पर आया नहीं रहा, मुझे गाना भी नहीं सुन रहा मेरा, तो फिर आपको कैसे पता लगा कि मैं आज भी आधी लाइन भी नहीं गा पाता, 1.5 साल से तो मुझे सुन नहीं रहे। फिर आप कह रहे हो कि मैं गाने तो ढंग से गा नहीं पाता, लेकिन वो अपनी सिंगिंग को कंपनसेट करने के लिए कुछ इधर उधर की पॉलिटिक्स करता हूँ। इन बातों से तो कोई अच्छा सिंगर नहीं बन सकता, ये बात भी कोई। फिर आप प्रोनाउंसिएशन को लेकर बैठ गए, एक तरफ आप कहते हो कि किशोर कुमार का भी प्रोनाउंसिएशन खराब होता है, वो पतझर बोलते हैं, जब मैंने वहाँ कहा था तो आप कह रहे थे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बात वहाँ क्या बोलने की ज़रूरत थी, ठीक है मैं यूट्यूब जो भी बोल गया छोड़ो, इन बातों से क्या रखा है, निकल गया मुँह से। इसे COE का क्या मतलब है, COE तो स्कूल में पढ़ाता ही नहीं है, ये भी आपको पता नहीं है, COE का भी पढ़ाता नहीं है। आप कहते हो कि COE भी पढ़ाता है, फिर आप नर्सरी टीचर से प्राइमरी टीचर पर आ गए। पहली बात तो मेरे ही पीछे क्यों पड़े रहते हो आप लोग कि मैं नर्सरी टीचर हूँ, प्राइमरी टीचर हूँ, जो कुछ भी हो मेरी अपनी मर्जी, ठीक है। वो जो आप कारोबार की बात कर रहे हो तो वो तो मैंने इसलिए बोला था कि मेरी कंपनी का दिवाला नहीं निकला, मेरे पास सब कुछ अभी भी है, उस बात का जवाब दिया था मैंने। मेरी शौक नहीं है अपना सब दिखाने का, वो मैंने इसलिए, आप बुरा वीडियो देखा करो, ठीक है। फिर आप कह रहे हो कि दूसरे भले ही बेसुरा गाते हो लेकिन वो प्रॉपर सरगम में गाते हैं, तो अगर फिर मैं सुर में गा रहा हूँ और लो ऑक्टेव में गा रहा हूँ तो फिर क्या ऑब्जेक्शन है, ये बात भी कोई हजम नहीं हुई, ठीक है। फिर आपने कह दिया जी मैं असली पंजाबी नहीं हूँ क्योंकि मैं उत्तराखंड यूपी में पैदा हुआ हूँ, रियलिटी में मैं तो गुरदासपुर में पैदा हुआ था, मैं तो बाद में उत्तराखंड में सेटल्ड हुआ ना, अभी मेरी पंजाब में तो प्रॉपर्टी है। कह रही इन बातों से क्या लेना देना, मैं पंजाबी, आप कह रहे हो मैं प्योर पंजाबी हूँ, होंगे आप प्योर पंजाबी, ठीक है मान लिया भाई साहब आप प्योर पंजाबी हो, स्टीफन कादर आपका नाम है, आप बिल्कुल पंजाबी हो, लुधियाना में पैदा हुए, आपकी पंजाबी लैंग्वेज से लगता है कि आप पंजाबी हो, मान लिया भाई साहब आपको, ठीक है जी कोई बात नहीं। दूसरी बात ये कि ठीक है, एक बात ज़रूर उसमें मैंने बुरी बोली थी NRI के खिलाफ, तो आपको तो पता ही है जब आदमी वीडियो में बोलना शुरू करता है तो वो कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। और चलो ठीक है वो बात मान ली, ये बात मुझे आपकी पसंद आई कि मुझे NRI को नहीं बोलना चाहिए था कि जो आपने बोला औकात नहीं है वो गलत था, उसके लिए चलो मैं सॉरी फील कर लेता हूँ। लेकिन उस वीडियो में मैंने पंजाबियों को कहाँ बांटने की कोशिश की है, मैंने तो नहीं बोला कि बढ़ जाओ, मैंने उस वीडियो में पंजाबियों के बारे में तो कुछ भी नहीं बोला, मैंने तो अपनी बहनों के बारे में बात कर रहा था, उनको रक्षाबंधन की बधाई दे रहा था, मैंने कहीं नहीं कहा कि पंजाबी बढ़ जाओ। आपको पता नहीं किस बात से लगा
कि अनारेज पंजाबी ये वो पंजाबी, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। ये आपने ऐसी पता नहीं कहाँ से उस वीडियो में बात को पिक कर लिया। पंजाबियों के बारे में तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं तो अपनी बहनों के बारे में बोल रहा था, ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ी आपने गलती की है कि आपने बीना जी को बर्थडे डेडिकेशन किया, बड़ी अच्छी बात है। मेरा जीवन कोरा कागज़ कोरा ही रह गया, बहुत बढ़िया आपने गाना गाया, मैंने सुना भी नहीं। आप मुझे 1.5 साल से नहीं सुन रहे तो मैं आपको क्यों सुनूंगा, ठीक है जी। आप मुझे सिंगिंग में बहुत अच्छा सिंगर ही नहीं मानते तो मैं आपको क्यों मानूंगा, क्योंकि मुझे भी आपकी सिंगिंग कोई खास लगती नहीं है, ठीक है। गिटार आप अच्छे बजाते हो, खैर आप तो सब लोग भाई साहब को भी कह रहे थे गिटार पकड़ना नहीं आता आपको, खैर कोई भी अच्छा नहीं लगता। तो एक वीडियो बना के अगली बार बता दो कि कौन अच्छे सिंगर हैं कौन ख़राब हैं, वो सारी वीडियो बना के आप बता दो कि यूट्यूब के कौन से टॉप 5 सिंगर हैं और कौन टॉप 5 ख़राब है। मेरा नाम भी ले देना, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। आप तो किसी को मानते ही नहीं हैं, ठीक, कोई बात नहीं। और दूसरी बात ये कि आप बार बार ये कह रहे थे कि मैं धर्मेंद्र बोल रहा हूँ, धर्मेंद्र बोल रहा हूँ। अरे वो तो एक डायलॉग होते हैं, बोल देना उसमें क्या है। आपको इतना क्यों बुरा लग रहा, मैंने अपने को धर्मेंद्र बोल दिया था, ठीक है। ये कोई बात नहीं होती, आप मुझे सिंगर नहीं मानते कोई बात नहीं, ठीक है। पॉलिटिक्स खेल के कोई सिंगिंग को कंपनसेट नहीं कर सकता, ये भी आपकी ऐसी बात है। फिर आप कह रहे हो आप पंजाबी नहीं हो, आप उत्तराखंड में यूपी में पैदा हुए, ये बात भी कोई गले नहीं उतरी। अब लोग पंजाब में पैदा हो गए बॉम्बे सेटल्ड हो गए तो क्या पंजाबी नहीं है? आप यूके में सेटल्ड हो गए तो आप पंजाबी से क्रिश्चियन हो गए? क्रिश्चियन तो खैर आप हो ही, पंजाबी क्रिश्चियन, तो इसका मतलब ये नहीं भी हो। मैंने कहने का मतलब कि यूके के प्रॉपर क्रिश्चियन थोड़ी हो गए, रहोगे तो पंजाबी। तो ये तो फालतू की बातें होती हैं, लेकिन आप अच्छा बोले, आपने हिम्मत करके बोले। देखो आपने मुझे फ़ोन भी किया था, मैंने आपकी इज्जत की, उसमें भी आपने बोला। अब बीच बीच में करोगे मेरी सिंगिंग इंप्रूव भी हुई है, पहले मैं ट्रैक पर नहीं गा सकता था, तारीफ भी कर रहे हो और बुराई भी कर रहे हो। और 1.5 साल से आप मुझे सुन भी नहीं रहे, फिर आपको कहाँ से पता लग जाता कि मैं गा पाता नहीं गा पाता? ये तो बेकार की बातें हैं, कोई बात नहीं, आप मुझे सिंगर मत मानो, वो बात नहीं है। लेकिन आपकी सबसे बड़ी गलती ये रही कि आपको वहाँ बीना को आपने गाना डेडिकेट किया, तो इतना लंबा चौड़ा कमेंट करके पिन करने की ज़रूरत क्या थी? उसमें आप लिखने लगे मेरे बारे में, उसने ये किया वो किया, ये बातें भी कुछ सही नहीं है। दूसरा, अगर कोई फीमेल कल तक मेरे साथ थी, मेरे साथ गाना गा रही है, बाद में हमारी लड़ाई होगी, मैंने उसका गाना अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, तो तुम्हारा पर्सनल मामला है, आप उस पर भी बोल रहे हो। अब जैसे ये सानिया ने गाना डाला था जीवन के हर मोड़ पर, मालूम है उसके साथ गा के डाल देता तो वही ऑब्जेक्शन उठा देती, क्योंकि उसको तुम्हारी दोनों की तू तो मैं हो रही थी। मैंने वो सारा के साथ गा के डाला, वीडियो बना के डाला, उसके साथ तो नहीं गाया मैंने, तो ये तो सब चलता रहता है। फिर क्या हो गया, वो जो आप फीमेल की बात कर रहे हो कि वो उसका मैं पिन कर रहा था, तो वो मेरी पहले अच्छी खासी उससे बनती थी, हमारा पर्सनल मामला ऐसे चलता ही रहता है। तो ये आपकी वीडियो मुझे ठीक लगी, आप अच्छा बोल रहे थे, मुस्कुराते हुए अच्छे लग रहे थे, लेकिन कुछ बातें मुझे अच्छी नहीं लगी। तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसे नहीं होता जैसे आप बोल रहे थे, उसमें ये कारण होता कोई। अब नर्सरी प्राइमरी टीचर CEO ये आप पता नहीं क्यों बोलते रहते हो, आप ही बोलने लग गए। उसमें एक बात बुरी थी जो NRIs को चैलेंज किया, बाकी प्रोनाउंसिएशन का क्या इसमें मतलब है, उसमें क्या हो जाएगा। आप एक तरफ तो कहते हो कि किशोर कुमार भी पतझर बोलता है, बंगाली है जी RD बर्मन, उनके खिलाफ भी फिर एक वीडियो डाल दो। COE कभी बच्चों को पढ़ाता नहीं है, ये बात भी देख लो भाई। ओके, सत श्री अकाल, ठीक है, थैंक यू।